मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मालिनी। तो आज जा रही हूँ मैं सामान लेने इंगेजमेंट प्लैटर का भाई की, और आज से शुरू हो रही है सारी तैयारियाँ। पैकिंग करनी है और सारी चीज़ों को बास्केट तैयार करनी है मेकअप किट की, और साथ ही में इंगेजमेंट प्लैटर रेडी करना है, जो कि उसमें थोड़ा सा सामान कम पड़ गया है मेरा, सो वो मैं लेने जा रही हूँ। और भी है, और उसके साथ ही आई एम गोना चेंज माय हेयर, क्योंकि बहुत प्लेन हो गए हैं, बहुत नॉर्मल हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ हेयर कट ले लूँ। आई हैव टू अटेंड एन इवेंट टुमारो, तो वो भी उसकी वजह से भी, तो मैं अभी ही करवा ले रही हूँ सो दैट मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज अभी सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं भाई की इंगेजमेंट में, और बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, बहुत सारा काम करना है। सो आज से शुरुआत करते हैं और चलते मार्केट पहले, और मुझे ये शूज़ देने ठीक होने के लिए, बहुत सारा काम है। सो आई शो यू व्हाट आई बॉट फॉर माई सेल्फ, मेरा आउटफिट क्या है, मेरे शूज़ क्या है, व्हाट ज्वेलरी आई गॉट फॉर माई सेल्फ, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। एपिसोड वाइज आई शेयर व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई हाउस इन द इंगेजमेंट, फॉर द इंगेजमेंट। तो चलो चलते। कहाँ से देखें या वो शायद उसकी शॉप पे मिल जाए, कहाँ पे आया है। सो आई एम बैक फ्रॉम मार्केट, और आज मार्केट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ऑलमोस्ट हमारी 4 आवर्स 5 आवर्स की हो गई थी मार्केट, बहुत ज़्यादा सामान लाना पड़ा। और आई विल शो यू कि हम क्या क्या लेकर आए। एक्चुअली प्लेटर के लिए मैं बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, कुछ मुझे पैकिंग के लिए भी लेकर आना था, तो आई विल शो यू कि क्या क्या लेकर आई हूँ। और ऑल्दो अभी भी काफ़ी सारा सामान रह गया, बिकॉज शादी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपको शॉपिंग करनी पड़ती है, लास्ट डे तक करनी पड़ती है। मेरी अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है पार्लर की, वो भी देखनी है, और देर आर सो मैनी थिंग्स जो हमें करनी है, वो दिन के दिन ही होगी। सो या वी आर एक्चुअली बिहाइंड द स्केड्यूल जो हमने सोचा था, बट होपफुली सारा काम हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा, और करते हैं, चलते हैं। ज़्यादा थिंग दैट आई गॉट फॉर प्लैटर, ये वाइट रोजेज़ लाई हूँ मैं, वाइट एंड ब्लू रोजेज़। ये एक्चुअली अपेक्षा के लहंगे से मैच करते हैं, जो लहंगा वो पहनने वाली है, तो थीम वही रखी है जो दुल्हन का लहंगा है। भाई का भी ब्लू ही है, तो इसीलिए ये पेस्टल कलर के पिंक पिप्स लाए हैं, जो कि इसके साथ में अटैच होंगे, और एक बहुत प्यारा सा वो बनेगा। ये लीव्स की टच देने के लिए लाए हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ा है। ये जो फ्लावर्स हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेज़ हैं, ये रोजेज़ मैं लेकर आई थी बिकॉज आई हैव टू मेक द इंगेजमेंट द मेकअप ट्रे, तो उसके डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए। इसके अलावा साड़ियों की पैकिंग के लिए ये पैकिंग नेट लाई गई है, बिकॉज इट्स रियली रियली प्रिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ये सामान एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा है मुझे, क्योंकि ये जो रोज़ेज़ हैं ये अपने आप में ही काफ़ी एक्सपेंसिव है, और काफ़ी रियल लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और जब मैं ये पैकिंग करूँगी देन आई विल शो यू कि किस तरीके की थीम हम रखने वाले हैं इसकी। अभी इसके अलावा आई गॉट सम थिंग्स फॉर दुपट्टा। एक्चुअली जो अपेक्षा का दुपट्टा है वो थोड़ा कस्टम मेड बना रहे हैं, ऑल दो ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, बट हमें जो शेड चाहिए था, हमें जो साइज़ चाहिए था, वो हमें नहीं मिल रहा था मार्केट में। हमने पूछा रेड में, हमें नहीं मिला ये, तो हमें ये लेस लेनी पड़ी, एंड वी हैव टू मेक अ कस्टम मेड। तो इसका सारा सामान आया हुआ है, ये दुपट्टे की नेट है, ये दुपट्टे की लेस है, और ये है सदा सौभाग्यवती वह, बिकॉज़ मुझे ये दुपट्टा एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सीरियसली चाह रही थी कि उसका जो गोद का दुपट्टा हो वो कुछ इसी तरीके का हो, सो ये लेना था। इसके अलावा
आई गॉट दिस. दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस ऑफ द प्लेटर. ये जो स्टैंड बनता है ये वो बनने वाला है. और मैं काफ़ी सारे पर्ल्स लेकर आई हूँ. पर्ल्स इसलिए लाई हूँ बिकॉज पर्ल्स का कर्टिन क्रिएट करना है मुझे. मुझे वाइट और स्काई ब्लू की थीम रखनी थी तो उसमें बहुत सारा सामान लाए थे. ये बड़े वाले पर्ल्स हैं, इनका पूरा एक कर्टिन टाइप का बनेगा. ये हो गया. इसके अलावा आई गॉट सम ज्वेलरीज फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, और वो भी बहुत प्यारी लग रही है. दिस इज़ द हेड बैंड, हेयर एक्सेसरी है ये बालों के ऊपर लगाने की. आई एम नॉट टू श्योर कि मैं इसको यूज़ करूँगी या नहीं करूँगी. अगर नहीं करती हूँ तो मैं आगे यूज़ कर लूँगी बिकॉज मुझे ये रोज़ गोल्ड में बहुत क्यूट लगा था. एंड अदर थिंग दैट आई गॉट फॉर माई सेल्फ इज़ दीज ईयर रिंग्स. मेरा रोज़ गोल्ड टच का ड्रेस है तो ये ईयर रिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे. इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव क्योंकि ये एडी का काम है सारा और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े. मैं लेना तो नहीं चाह रही थी बट लेना पड़ा मुझे क्योंकि कोई और चॉइस नहीं थी. मैं नेक में कुछ नहीं पहन रही, हेयर में कुछ नहीं पहन रही तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट पीस चाहिए था. और ये बहुत लाइट वेट है तो मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया, बट एक्सपेंसिव है. सो दिस इज़ द होल थिंग्स जो कि मैं डेकोरेशन के लिए लेकर आई हूँ. और अभी मैं जा रही हूँ डेकोरेशन स्टार्ट करने के लिए. एंड आई होप कि मैं आपको शो कर पाऊँ कि कैसी डेकोरेशन होगी. कोशिश तो की है कि अच्छे से डेकोरेशन हो जाए और देखते हो पाती है या नहीं. क्यों अरे तुम भी कराए को तुम्हें याद ही नहीं रहेगी क्या? सो पैकिंग सारी हो गई है और सारे काम हो चुके हैं. जितनी सारी बास्केट थी वो भी पैक हो गई, सब हो गया. अब बचा है प्लैटर और वो मुझे कंप्लीट करना है. प्लैटर मैं आपको कल के एपिसोड में दिखाने वाली हूँ और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एपिसोड. सो इंगेजमेंट का जो प्लेटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनाया है, क्या क्या किया है उसके लिए. सो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2 में इंगेजमेंट डायरीज़ के. और आई होप भाई कि इंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँ. आई एम प्लानिंग ऑन द वे दैट. और कल के एपिसोड में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि प्लेटर क्या बनाया है, पैकिंग सारी कैसी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शो करूँगी. एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू कि क्या क्या सामान ब्राइड के लिए जा रहा है बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड सो मैनी गिफ्ट्स फॉर हर. और वो भी मैं आपको ज़रूर शो करूँगी. सो मिलते हैं कल के एपिसोड में. तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी. तब तक के लिए बाय बाय.